हेलो दोस्तों, एक व्यूअर्स जानना चाहा कि वंदे भारत वर्सेस चीता की अगर दौड़ होगी तो कौन जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों की रेस में किसकी होगी जीत, असलियत जानकर हो जाएंगे हैरान आप। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में वंदे भारत एक्सप्रेस देश में सबसे अधिक लोकप्रिय ट्रेन है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड के साथ पेश किया। आपको बता दें कि वंदे भारत का मैक्सिमम जो स्पीड है दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटा से बनाया गया दोस्तों, लेकिन ये भारत में रेल की पटरियाँ उतनी मजबूत नहीं है, जिसके चलते जो भारत में वंदे भारत ट्रेन चलती है वो 130 किलोमीटर पर आवर से कहीं कहीं पर 160 किलोमीटर पर आवर से चलती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि अगर वंदे भारत भर से चीता का अगर रेस लगता है दोस्तों तो वंदे भारत ही जीतेगा, क्योंकि वंदे भारत का स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही चीता का स्पीड मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चीता दौड़ता है। तो आपको बता दें कि भारत में जो वंदे भारत ट्रेन आई है दोस्तों, वो डिजाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटा से किया गया, जबकि इसका टेस्टिंग स्पीड 183 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भारत में बहुत जगह वंदे भारत 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी चलती है। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत साउंड प्रूफ ट्रेन है, ये बात आपको पहले से पता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको फीलिंग नहीं पता चलेगा कि जो वंदे भारत ट्रेन है कितनी स्पीड से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये साउंड प्रूफ भी है, अंदर में बैठेंगे तो आपको काफ़ी कम्फर्ट लेवल महसूस होगा और बाहर का साउंड भी नहीं पता चलता। जी हाँ दोस्तों, साउंड प्रूफ है। और दूसरा बात, वंदे भारत ट्रेन जो आज जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन चुका है दोस्तों, तो इस तरह से अगर चीता और वंदे भारत के रेस लगती है तो वंदे भारत ही जीतेगी। चीता की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वंदे भारत का स्पीड 160 या 180 किलोमीटर प्रति घंटा से वंदे भारत चलने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप जान लें कि वंदे भारत का जो टॉप स्पीड है 160 या 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय इंडियन रेलवे।